हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर। सर सबसे पहले एक बार नाम बताएं अपना। मेरा नाम कालू भाई कबीर के नाम से पहचानते हैं। कालू भाई कबीर के नाम से। और सर अपने स्टड फॉर्म का नाम क्या है? कबीर स्टड फॉर्म। कबीर स्टड फॉर्म, यानी कि आपने अपने नाम से स्टड फॉर्म का नाम रख रखा है। और अपनी जो लोकेशन क्या है जहाँ पे ये घोड़े अपना फार्म है? किंग रोड बोरसद आनंद, आनंद में गुजरात। तो मेन आनंद से कितना किलोमीटर पे पड़ता है अपना फार्म? 25 किलोमीटर है। 25 से 27 किलोमीटर। अच्छा, और जो ये जगह है इसका नाम क्या है? किंक रोड। तो ये गांव। तो गांव है ये कोई? हाँ, किंक रोड गांव है। गांव है। तो कितनी आबादी होगी इस गांव में? गांव में आबादी लगभग 5-6 हज़ार की। तो 5-6 हज़ार के लगभग है। तो आप जैसे कि गुजरात में हो तो गुजराती, आप हिंदी बोल रहे हो, तो कहीं और से भी लिंक है क्या अपना? जैसे कि हमारे बाप दादा यूपी से हैं। अच्छा, यूपी से। और हम तो गुजरात के ही हैं, गुजराती हैं। जब शुरू से गुजरात में ही रहे? शुरू से गुजरात में। अच्छा, बाप दादा यूपी के होंगे? यूपी के। क्योंकि वो गुजराती लैंग्वेज आ नहीं रही ना, इसलिए ना, लैंग्वेज गुजराती पूरी आती है। पर आप हिंदी बोल रहे हैं इसलिए मैं तो कंफर्टेबल होगी, यानी कि हिंदी प्रॉपर समझ में आती होगी ना। गुजराती भी समझ में आती है और हिंदी भी पूरी आती है, गुजराती बोलना भी आता है। अच्छा, हिंदी और गुजराती दोनों में कंफर्टेबल है। तो अभी अपने फार्म पे कितने घोड़ा घोड़ी रख रखे हैं अपन ने? 5 हैं। 5 है। तो 5 में किस किस तरीके के हैं? यानी कि ये एक ये नुकरी घोड़ी है। हाँ हाँ, ये सारंगखेड़ा मेला से लाया था मैं। ओके। ये 2018 में। 2018 में। हाँ। अच्छा, 2018 में ये 2 नंबर आया था इसका, यानी कि दूसरे नंबर पे आई हुई है। इसका नंदिनी नाम है। नंदिनी प्रिंस लेंस है, यानी कि प्रिंस घोड़े की बच्ची है ना। तो अपन को घोड़ा रखते हुए कितना टाइम हो गया? घोड़े रखते हुए भाई मुझे समझ लो 3-4 साल हुआ है। 3-4 साल हुआ है, यानी कि एक तरीके से बोले तो अपनी नई शुरुआत ही है। नई शुरुआत है। मुझे घोड़ों से लगाव तो बहुत पहले से था। मेले वगैरह में मैं सब देखने जाता था, पर मुझे क्या इनको पालने का अनुभव नहीं था। यानी कि पता नहीं होगा? हाँ, पता नहीं था। तो पहले तो मैंने वो जानकारी जुड़ाई कि इनको पालना कैसे, रखना कैसे। फिर मैंने ये घोड़ी खरीदी। ओके। और एक मेरे मित्र है DYSP है कुंपावत साहब। ओके। वो एक घोड़ी अपनी मेरे यहाँ पर वो करके गए, उनकी बड़ौदा बदली हुई। अच्छा, छोड़ गए होंगे आपके पास में? हाँ, वो छोड़ गए, मेरे मित्र थे। मैंने कि मैं इधर रखूँगा। हाँ, वहाँ से मुझे ये चीज़ का लगाव ज़्यादा हुआ। जो मेरी वो काबरी घोड़ी है, अच्छा, वो कुंपावत साहब की है। यानी कि वो यहाँ पे छोड़ के गए तो आप उसकी केयर करते रहते होंगे, तो आपका लगाव बढ़ गया उससे। लगाव मेरा पहले से ही था, पर वो आने के बाद फिर मेरी एक झिझक, वो एक उम्मीद बढ़ गई हो गई। हाँ, उम्मीद बढ़ गई। यानी ये शौक मुझे उन्होंने ही ज्यादा लगा दिया, ज्यादा लगाया। और उनकी बच्ची है, एक नंदिनी नाम है जिसका। वो अच्छा, शिवानी नाम है। ओके। तो वो उन्हीं की? वो उन्हीं की है। उन्हीं की है। रखता मैं हूँ यहाँ पर। ओके। पर उन्हीं की है, पर उसी से अपना शौक चालू हुआ आगे। और वो बहुत तेज घोड़ी है, दौड़ने में बहुत तेज है। अच्छा, राइडिंग वगैरह करते होंगे? तो इस पे भी करते हो राइडिंग वगैरह? हाँ, इस पे भी राइडिंग करते हैं। बाकी इसका नाम आपने लाया था तो ये 14 महीने की थी। 14 महीने की, सारंगखेड़ा से ही? सारंगखेड़ा से। ओके। तो अभी तो ये इसकी उम्र 3-3.5 साल हो गई। और हाइट में कितनी होगी ये अभी? ये हाइट में 62 प्लस है। 62 प्लस है। और नाम इसका नंदिनी रख रखा है। नंदिनी। तो अभी आपके पास में इनकी सेल के हिसाब से है या आप रखोगे खुद ही? अब वो रखी तो है, पर सेल क्या, कोई अच्छे दाम देगा सेल कर देंगे। हाँ, वैसे भी घोड़ा घोड़ी दूसरा लेकर चलता ही रहेगा जब अभी पालना चालू किया है तो। हाँ, बिल्कुल। और घोड़ा घोड़ी का और उससे क्या, घोड़ा घोड़ी का खर्चा भी निकलता रहे, है ना? खर्चा भी निकलता रहे, चलते भी रहे भाई। ओके। बाकी अपने फार्म का नाम अपन ने कबीर स्टड फार्म रख रखा है। कबीर स्टड फार्म। ये बच्ची बहुत अच्छी है, है ना? फुल नुकरी है ना? फुल नुकरी, एक भी बाल दूसरे कलर का नहीं है इसमें। एक भी कहीं भी बाल दूसरे कलर का नहीं है। फुल नुकरी है। तो सारंगखेड़ा मेले के बारे में किसने बताया था आपको? पहले से खबर था, मेले वगैरह में हम जाते रहते थे। अच्छा, मैंने बोला ना कि घोड़े मुझे शौक तो बहुत पहले से था, पर रखता नहीं था डर के लिए कि कोई मेरे केयर में, यानी कि जानकारी नहीं थी। इसलिए जानकारी नहीं थी,
क्यों घोड़ों का ये पेट फेट का ज्यादा सिस्टम चलता रहता है। तो जानकारी जुटाने में आपको कितना टाइम लग गया था? जानकारी जुटाते समझ लो 15 साल से जानकारी जुटा रहे हैं। अच्छा 15 साल लग गए जानकारी जुटाने में। पर इसमें ऐसा है साहब, मैं फिर एक बार गया ये इसमें बालोतरा मेले में, बाड़मेर में लगता है, बाड़मेर में लगता है, बालोतरा मेले में गया सर। तो मुझे इसमें अनुभव बहुत जरूरी है, बिना अनुभव के तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत जरूरी अनुभव है ना, लोग इतने काटने वाले बैठे हैं कि जर से काट देते हैं, पता भी नहीं लगने देते हैं। बालोतरा में क्या है, वो नदी में मेला लगता है। हाँ हाँ। तो पैर सारे रेत में चले जाते हैं। हाँ, वो इतना इतना रेत में धस जाता है। तो मुझे एक गोड़ी एक ने थमा दी, वो छाले फाले पड़ जाते हैं पैर में। हाँ हाँ हाँ। वो छाले थे उसके पैर में। ओके, और आपको पता नहीं चला होगा? मुझे पता ही नहीं चला। तो घर ले तो अच्छा हुआ, वो प्रेग्नेंट थी पर उसने अच्छा घोड़ा दिया यहाँ पर। Okay. एक बच्चा बहुत बेहतरीन दिया, खूबसूरत। फिर घर पे लेके आए हुए तब पता चला होगा? हाँ, तब दूसरे लोगों ने बताया, जो अनुभव लोग थे वो उन्होंने बताया कि इसके पैर में छाले हैं। ओके। तो नया आदमी कोई भी ले तो बहुत जानकार को साथ में जरूर ले जाए, यानी कि एक बंदे का जो जानकार हो उसको साथ में जरूर लेके जाए, जरूर पूछे, और अकेला ना जाए। यानी अकेला तो लेने जाए ही नहीं। अकेला उसको अनुभव नहीं है तो, और अकेला लेने अगर चला गया बिना अनुभव के तो साफ ही हो जाना। इसमें अनुभव बहुत जरूरी है। कोई भी अपना मित्र हो घोड़े वाला या कोई भी हो, अभी मुझे तो बराबर अनुभव हो गया है कि इसको कैसे केयर करना है, इसको खिलाना कैसे, और कब पानी पिलाना है कब नहीं पिलाना है, और कैसे जानवर लेना है अपने, यानी कि खान पान के बारे में पूरी जानकारी, पूरी जानकारी, और यानी हॉर्स के हाथ पैर कैसे होना चाहिए, क्या इसमें कमी है क्या नहीं कमी है, ये सब जानकारियाँ अभी तो मुझे मिल गई। क्यों, थोड़ा बहुत पैसा मैं चला गया ना, ठग गया इसके लिए। और नया आदमी क्या होता है ना कि आने के बाद में एक बार ठगने के बाद में अपने आप समझदार बन जाता है। बहुत कम लोग हैं जो बिना ठगे और अच्छा जानवर परचेज कर लेते हैं। बाकी इसका नाम आपने नंदिनी रख रखा है ना? ना, पहले से ही उसका नाम नंदिनी था। अच्छा, पहले भी नंदिनी था, आपने आधार कार्ड चेंज नहीं करा? ना, वो जो उसका कार्ड मिला है मुझे, उसका जो जो रिंग में जीती होगी, रिंग में जीती है वही कार्ड में उसका नंदिनी नाम था। ओके ओके। तो वो ये मैं तुमको दिखाऊंगा। बिल्कुल।